महंगाई के विरोध में कांग्रेस जनों ने प्रतिकार रैली निकाली, जिसे प्रशासन द्वारा रोके जाने पर कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच जमकर नोकझोंक हुई। पेट्रोल डीजल की कीमतों में ऐतिहासिक मूल्य वृद्धि, प्रदेश में व्याप्त अराजकता, गुंडाराज व बढ़ती महंगाई, ध्वस्त कानून व्यवस्था, लोकतांत्रिक व्यवस्था पर लगातार चोट सहित अन्य मुद्दों पर कांग्रेस राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी व प्रदेश अध्यक्ष अजय लल्लू के आह्वान पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा जिला प्रदेश व्यापी आंदोलन के क्रम में महानगर कांग्रेस कमेटी द्वारा केनाराम बाबा स्थली के पास से एक प्रतिकार जुलूस निकाला गया। कार्यकर्ता पैदल मार्च करते हुए प्रधानमंत्री के संसदीय कार्यालय के घेराव के लिए जा रहे थे, तभी उन्हें पुलिस ने बलपूर्वक बैरिकेडिंग करके रोक दिया। पुलिस द्वारा प्रतिकार रैली को अवरुद्ध करने की कोशिश की वजह से कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस प्रशासन के बीच नोकझोंक भी हुई। पूर्व विधायक अजय राय ने कहा कि भाजपा सरकार के राज में लोग घुटन महसूस कर रहे हैं, बढ़ती महंगाई ने लोगों के घरेलू जीवन को तहस नहस कर दिया है। हम कांग्रेस जन इस निरंकुश और अलोकतांत्रिक सरकार का पुरजोर विरोध करते हैं, क्योंकि अगर लोकतंत्र को बचाना है तो भाजपा को हर हाल में सत्ता से भगाना होगा। वहीं कांग्रेस जनों ने प्रधानमंत्री कार्यालय से कोई प्रतिनिधि बुलाने की मांग की, लेकिन प्रतिनिधि के न आने पर प्रधानमंत्री को संबोधित पत्रक ACP को सौंपा गया। इस मौके पर मुख्य रूप से किसान कांग्रेस कमेटी के प्रदेश महासचिव पंकज सिंह डब्लू, महानगर अध्यक्ष राघवेंद्र चौबे, जिला अध्यक्ष राजेश्वर पटेल, इमरान खान, अनुराधा यादव, ऋतु पांडे, मनीष मोरोलिया, चंचल शर्मा, अनुभव राय इत्यादि कार्यकर्ता शामिल रहे। आज पूरे प्रदेश में कांग्रेस पार्टी शांतिपूर्वक तरीके से महंगाई के विरोध में, भ्रष्टाचार के विरोध में और जिस तरीके से इन्होंने अनैतिक तरीके से जिला पंचायत और ब्लॉक प्रमुख के चुनाव में जिस तरीके से तानाशाही तरीके से बलपूर्वक तरीके से गुंडागर्दी करके प्रशासन का दुरुपयोग करके चुनाव जीता है, इसके विरोध में एक कार्यक्रम कांग्रेस के द्वारा पूरे प्रदेश में आयोजित है और उस पर हम लोग बनारस में शांतिपूर्वक तरीके ढंग से बाबा कीनाराम के स्थान से उनको नमन करके बाबा को यहाँ से प्रधानमंत्री जी का जो संसदीय कार्यालय है वहाँ जाकर अपना शांतिपूर्वक तरीके से ज्ञापन देने जा रहे थे और हमको जबरदस्ती पुलिस ने जबरदस्ती रोक लिया और हम शांतिपूर्वक गांधी के पुजारी हैं, हम झगड़ा पे और हम उस पर अहिंसा विश्वास नहीं करते, हम चुपचाप सड़क पर धरने पर बैठ गए हैं और अपनी बात को हम लोग यहाँ कह रहे हैं। सर आगे की आप लोगों की क्या रोल? अब आगे की रोल ही तो उनका काम है ना, कि हम तो जाने के लिए वहाँ, कि मुझे वहाँ पे प्रधानमंत्री जी यहाँ के सांसद हैं और पूरे देश में महंगाई चरम पर है, भ्रष्टाचार चरम पे है, उत्तर प्रदेश में जबरदस्ती आप चुनाव जीत रहे हैं, उसको उनको जगाया जाए, बताया जाए कि भाई बनारस की जनता, आपके संसदीय क्षेत्र की जनता परेशान है। 100 के ऊपर पेट्रोल हो गया, 200 के ऊपर सरसों का तेल हो गया, रिफाइन ऑयल हो गया, महंगा हो गया, सारी चीज़ें महंगी होती, खाने की सारी चीज, सेब जो आम आदमी खाता था वो 250 रुपये किलो से नहीं है, नीचे नहीं है, क्योंकि उन्होंने अडानी को दे दिया। ये सारी चीज़ें खराब होती जा रही हैं, इसके विरोध में बनारस के लोग उनको एक ज्ञापन देने जा रहे थे और उस पर जाकर इन लोगों ने यहाँ पर जाने नहीं दिया। हम यहाँ पर सभी लोग कांग्रेस के मानगर अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, हमारे प्रभारी सचिव, सारे लोग, महिला कांग्रेस, सभी लोग हम लोग यहाँ पे धरने बैठ गए। काली पट्टी का एक हम लोग यहाँ पर आने हैं कि पंडित कमलापति त्रिपाठी और राजेशपति जी के ऊपर, उनके परिवार के ऊपर मुकदमा किया गया, फर्जी मुकदमा इस सरकार के द्वारा, प्रदेश सरकार की, उसके विरोध में भी शांतिपूर्वक तरीके से हम लोगों ने काली पट्टी बांध उसका विरोध किया। आज किन मांगों के साथ आप लोग वोट दे रहे हैं? हम लोग महंगाई को लेकर के आज हम लोग ये विरोध प्रदर्शन और धरना प्रदर्शन अपने महिला मोर्चा के साथ कर रहे हैं। ये PMO कार्यालय को हम लोग घेरने का काम करेंगे और ये हम लोग विरोध कर रहे हैं जो ये डीजल, पेट्रोल और घरेलू गैस जो इतना महंगा हो रहा है, दाम बढ़ते जा रहे हैं, इसको कम करने के लिए हम लोग सरकार से मांग कर रहे हैं। आगे आप लोग क्या रुख? हम लोग अभी लगातार आंदोलन कर रहे हैं और अगर प्रशासन नहीं सुनती है तो हम इससे बड़ा आंदोलन करेंगे। आज किन मुद्दों को लेके आप महिला कांग्रेस सड़क उतरी थी, कहाँ जाना था नहीं जा पाई? हम लोग PMO कार्यालय जा रहे थे, प्रधानमंत्री के कार्यालय, महंगाई को लेकर। महंगाई इतना चरम सीमा पर है, आम जनमानस बहुत परेशान है, हर चीज़ महंगा है, गैस से लेके, दाल से लेके, तेल से लेके, बिस्किट से लेके, फल है, सब्जी है, कमर तोड़ महंगाई है। इसमें से ये कोरोना लॉकडाउन, आम पब्लिक, जो नीचे की पब्लिक है वो बहुत परेशान है। हम लोगों से मिलती है, दीदी आप लोग कुछ करिए, कुछ करिए, बहुत बड़ा आंदोलन है, हम लोग पब्लिक को लेके जा नहीं रहे थे। भाई पार्टी के हैं, कांग्रेस के लोग, हम लोग महिला संगठन, राजा राय भैया जी, सब लोग मिलकर ज्ञापन सौंपने जा रहे थे, लेकिन ये तानाशाही रवैया है।
हम लोग मारपीट करने नहीं जाते। मांग थी आपकी, क्या मांग थी प्रधानमंत्री जी से? बस यही, सस्ता हो सामान, महंगाई खत्म हो, सस्ता हो सामान।